भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित फिल्म से प्रेरणा लेकर नौकरी छोड़ने वाले आदर्श नगर वल्लभगढ़ निवासी युवा पैरा खिलाड़ी रंजीत सिंह भाटी का चयन टोक्यो पैरालंपिक के लिए हुआ है। रंजीत भाला फेंक प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। रंजीत ने दिल्ली में हुए पैरालंपिक ट्रायल में 44.50 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो पैरालंपिक का टिकट प्राप्त किया। वर्ष 2012 से पूर्व एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन करने वाले रंजीत एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक महीने तक वेंटिलेटर पर रहकर जिंदगी की लड़ाई लड़ी। अंत में जीत जिंदगी की हुई और उन्हें ठीक होने में 2 साल से भी अधिक समय लगा। सड़क दुर्घटना में दाएं पैर में गंभीर रूप से चोट आने के कारण अब वह सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं चल पाते हैं। रंजीत ने बताया कि वह महेंद्र सिंह धोनी से प्रभावित है। धोनी की तरह अपने खेल को बेहतर बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दिल्ली में एक कंपनी में काम करने के चलते अपने खेल को समय नहीं दे पाते थे और एक दिन नौकरी छोड़ दी। रंजीत के फैसले से उनके पिता रामबीर सिंह और मां वैजंती काफी नाराज हुई थी क्योंकि उनका खेलों से दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उनके परिवार में आज तक किसी ने भी खेलों को गंभीरता से नहीं लिया। वह सिर्फ अपने बेटे रंजीत को नौकरी करते देखना चाहते हैं। उन्हें पैरालंपिक जैसे इतने बड़े खेलों के आयोजन के महत्व के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन रंजीत ने किसी की परवाह ना करते हुए अपने भाला फेंकने के अभ्यास को जारी रखा और इस बीच उनको कई तौर से आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। रंजीत ने वर्ष 2019 में मोरक्को ग्रैंड प्रिक्स में हिस्सा लिया था और 4th स्थान प्राप्त किया था। इस वर्ष गुरुग्राम में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और बेंगलुरु में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक ट्रायल के लिए क्वालिफाई किया। रंजीत ने दिल्ली में हुए पैरालंपिक ट्रायल में 44.50 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो पैरालंपिक का टिकट प्राप्त किया। रंजीत ने बताया कि अक्सर लोग छोटी छोटी मुसीबतों से थक कर कर्म करना छोड़ देते हैं, लेकिन हम सब कोई मुसीबतों से ऊपर उठकर अपना प्रयास निरंतर रखना चाहिए ताकि एक न एक दिन मंजिल मिल सके। जापान के टोक्यो में ओलंपिक गेम्स चल रही हैं और 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे, जिसमें रंजीत 28 अगस्त को भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उनको उम्मीद है कि वह देश के लिए सोना जीत कर वापस आएंगे। रंजीत के कोच ने बताया कि वह लगातार 4 से 5 घंटे रोजाना अभ्यास में लगाता है और बहुत सारी परेशानियां पार करके उसने इस मुकाम को हासिल किया। मेरा नाम रंजीत भाटी है। मेरा सिलेक्शन पैरा एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रोअर में हुआ है, पैरा ओलंपिक्स में जो जापान में टोक्यो में चल रहा है वहाँ पे स्टार्ट होगा। 24 अगस्त से 5 सितंबर को कंपटीशन चलेगा। मेरा 28 अगस्त का कंपटीशन है। तैयारी अभी अच्छे तरीके चल रही है। अपना हर रोज़ बेस्ट करने में लगा हुआ हूँ मैं। ट्रायल में मैंने परफॉर्मेंस दी थी, वर्ल्ड के 5वें नंबर की परफॉर्मेंस मैंने अपने ट्रायल में दी थी, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। और अभी अपना बेस्ट करने की हर रोज़ कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने देश को मेडल लेके आऊँ। हर रोज़ अपना 100% दे रहा हूँ। एक संदेश देना चाहूँगा कि डरना जाए जाए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। डरता हर कोई है, हम भी डरते हैं। जिस टाइम पे हम कंपटीशन खेलते हैं उस टाइम पे एक डर हमारे अंदर भी होता है, लेकिन जब तक लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। कंटिन्यू लड़ते रहो, अपना प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहो उसको। एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, लेकिन तीसरी बार डेफिनेटली आप जीतोगे। उस चीज़ को कंटिन्यूसली आप बनाए रखिए तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी। कृष्ण कुमार पालीवाल, देखो जिस तरीके से मेहनत चल रही है, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और इसने भी जो है जितना बताया गया वो पूरा किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया परफॉर्मेंस आए, रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और हमें उम्मीद है कि भारतवासियों का जो है दिल जीत के रहेंगे। मेहनत पे भी पूरा भरोसा, किस्मत पे भी पूरा भरोसा। बाकी तो ये ऊपर वाला है जो कुछ करना है।